सो हेलो एंड नमस्कार गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जे फ्रॉम यूके 04। सो फ्रेंड्स, आप सोचो कि मेरे हाथ में आज झाड़ू क्या कर रहा है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरी नानी आने वाली है बाहर से, तो मुझे करनी है साफ़ सफाई इस रूम की। नानी इस रूम में रहेगी तो ये रूम और बाहर जो बालकनी है उसको मैं क्लियर करूँगा। तो यार आजकल मैं ही कर रहा हूँ साफ़ सफाई का काम, तो ठीक है। और फिलहाल ये है कि आज नानी आने वाली है, उससे पहले मुझे सफाई करनी है, तो चलिए जल्दी से सफाई कर लेते हैं और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और हाँ गाइस, आज सुबह वाली चाय मैंने आज नीचे ही पी ली क्योंकि मम्मी के साथ थोड़ा डिस्कशन चल रहा था कैसे सफाई करना है, नानी को कहाँ रुकाना है। तो ये वाला रूम हमने नानी के लिए बनाना है जल्दी से, तो चलिए सफाई करते हैं। तो गाइस फाइनली गाइस सफाई हो गई है और अब जाता हूँ मैं नीचे, और नीचे थोड़ा सा व्यवस्था देखते हैं। और नानी आने ही वाली है, 15-20 मिनट या आधे घंटे में पहुंच जाएगी, तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये आ गई है मेरी अम्मा। और अम्मा क्या हाल हो रहे हैं? बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, अभी बोल रही थी अब शर्माने लग गई। कैसी हो रही अम्मा, सब ठीक है? पहाड़ में पहाड़ बहुत बढ़िया। धूप आ रही है ना? तो गाइज, ये मेरी अम्मा आ गई है और ये है मेरा भाई विक्की, तुमने देखा ही होगा पहले। विक्की ब्रो, तो अभी बात करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज, नानी लाई है ये आपने देखा होगा जो बिच्छू घास कहते हैं सिसौण, उसकी सब्जी बना के लाई है और साथ में देखो आप चॉकलेट। तो नानी जब भी आती है चॉकलेट ही लेके आती है, और देखो एक सब्जी एक चॉकलेट। तो जब हम बचपन में इंतज़ार करते थे नानी का तो चॉकलेट का ही वेट करते थे, तो देखो आज भी नानी चॉकलेट लाई है, तो अभी हम इसे खाएंगे और साथ में खाएंगे सिसौड़ की सब्जी। इसको बस प्याज में फ्राई करके बनाना है और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो ये बॉइल्ड है अभी, सॉरी वैसे बनी नहीं है, तो इसको बनाएंगे और आज खाएंगे हम सिसौड़ की सब्जी रोटी के साथ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अभी थोड़ा सा आगे, अभी मुझे जाना है थोड़ा सा काम पे, तो जाता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ अभी राहुल की शॉप में और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में आज बहुत ज़रूरी काम है यार। एक्चुअली मैंने अपने फ़ोन में क्या क्या कहते हैं उसे, बाहर जो लगता है, स्क्रीन गार्ड। हाँ, मैंने अपने मोबाइल में स्क्रीन गार्ड लगाना है और एक कवर ख़रीदना है इसके लिए। तो यार आज लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर स्क्रीन गार्ड ना लगाओ तो फ़ोन अगर कहीं गिर जाए तो टूट जाता है, तो आज लगा लेता हूँ जाके। राहुल अभी मार्केट जा रहा है कुछ दवाइयाँ परचेज़ करने, तो मैं भी उसके साथ चले जाता हूँ। फिलहाल जो मेरी साइकिल है वो गाइस यहीं पे खड़ी रहेगी या मैं अंदर डाल दूंगा, जो भी होता है देखते हैं। और अभी हम जाएंगे बाजार की तरफ, तो मिलते हैं आपसे बाजार में। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं राहुल के किसी पेशेंट के पास और उनको इंजेक्शन लगाना है राहुल ने, तो अभी अंदर जाएगा उसके बाद इंजेक्शन लगा के आएगा, तब तक मैं बाहर ही वेट करता हूँ, तो तू जल्दी आ जाना ठीक है। चल, तो गाइस इंजेक्शन लगा दिया है और अभी हम जा रहे हैं बाजार की तरफ, और ये राहुल ड्राइव कर रहा है। तो यार हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बाज़ार में, बट कोई बात नहीं, आज हमारे पास बाइक है तो हम कहीं भी किसी भी गली में डाल सकते हैं गाड़ी को, और कोई दिक्कत नहीं है जाम वाम की भी। क्योंकि मेनली क्या होता है कि जाम की दिक्कत होती है और जाम की वजह से ही थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बाइक है तो बाइक से हम कहीं भी जल्दी से आ जा सकते हैं। मेरे दोस्त चोर के लिए भी गई है यार, मैं चोर के लिए भी जा सकता हूँ। मेरे दोस्त चोर के लिए जाना गाइस, तो चोर के लिए भी जा सकते हैं हम, देखते हैं जैसा भी होता है। अभी फिलहाल तो हम हल्द्वानी मार्केट ही जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम आए हैं अपने छोटे भाई की शॉप में देवा कम्युनिकेशन, तो
भाई तो अभी लंच कर रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और यहीं हम स्क्रीन गार्ड लगाएंगे और एक कवर खरीदेंगे। तो चलिए गाइस अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे लगता है स्क्रीन गार्ड। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में लग रहा है, वो आप देख लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी। दूसरा होता तो तो गाइस शायद अभी सारे देखिए इतना ये मजा आएगा नहीं निकाल अगर दिए टूटे नहीं हैं है ना। और चेक करा जा रहा हाँ है। एक्चुअली यार मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा सा पुराना है, तो इसका स्क्रीन कार्ड मिल नहीं रहा है, बट फिर भी भाई देख रहा है कोई फिट हो जाए तो उसमें ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, सही हो रहा है। काफ़ी बारीकी से देखो जांच करते हुए भाई मेरा। तो गाइस ये वाला ब्लैक लेदर में मैंने परचेस किया है कवर, इसका बैक कवर और टेम्पर्ड इसका डल चुका है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यार सोवर सा है ये, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो गाइस अब हम निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अब लेट भी हो रहे हैं और राहुल को खोलनी है अपनी शॉप। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस मैं वॉक करके आ गया हूँ, और वॉक करने के टाइम पे यार मेरे एक फ्रेंड की शॉप पड़ती है रास्ते में, तो उसके वहाँ मैंने गरम गरम मोमो देखे, तो मेरा मन कर गया मोमो खाने का, तो मैंने एक हाफ मोमो खाए। तो काफ़ी टेस्टी मोमो बनाता है वो। कभी भी आप आएँ तो यहाँ भगवानपुर में पेट पूजा नाम से उनका रेस्टोरेंट है, तो जब भी आप आएँ मोमो जरूर खाएँ, वो बहुत अच्छे मोमो बनाता है और चाउमीन तो खासकर बहुत अच्छी बनाता है। तो आप कभी भी आएँ तो ट्राई जरूर करिएगा गाइस। और आज वॉक हो गई है और अभी मैं मुँह हाथ धो के अपने रूम पर आ गया फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया, मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों का प्यार बहुत अच्छे से मुझे मिल रहा है गाइज, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अगर जो जो आप जिस जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है, और अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम अपने अगर आप आए हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको अपने कंटेंट दिखाता रहूँगा, डेली ब्लॉगिंग दिखाता रहूँगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग पसंद आया होगा आपको। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी बी ब्राइट।